केंद्र सरकार की फिटनेस योजना को अभी तक लोगों ने काफी सराहा, बल्कि देश के लोगों ने एक दूसरे को फिट रहने और हिट रहने का संदेश भी दिया। इसी को लेकर नोएडा के रामज्ञा स्कूल में भी एक स्पोर्ट्स लीग शुरू की गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिट रहने और हिट रहने का संदेश दिया था, जिसके बाद पूरे देश में फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया को लेकर फिटनेस चैलेंज का संदेश लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने अपने अंदाज में दिया। इसी तर्ज पर नोएडा के रामज्ञा स्कूल ने भी एक फिटनेस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो कि इंडिया बुक रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहा है। दरअसल स्कूल प्रशासन ने नोएडा स्पोर्ट्स लीग शुरू करके इसकी नींव रखी। इस लीग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें 12 तरह के खेल को खेला जाएगा और ये लीग लगातार 27 घंटे तक चलेगी। इंडिया में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी स्कूल में लगातार 27 घंटे तक स्पोर्ट लीग चलेगी, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड साबित होगी। लीग में अलग अलग स्कूलों के बच्चे और नोएडा में रहने वाले बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं। लीग में अलग अलग स्कूलों से बच्चे और नोएडा में रहने वाले बच्चे इसमें शिरकत कर रहे हैं। इस लीग का मेन मकसद बच्चों की फिटनेस को लेकर है। बता दें कि इस लीग का उद्घाटन भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने किया। फिटनेस प्रोग्राम को लेकर शुरू की गई लीग में बच्चों के लिए इनाम की घोषणा भी की गई। वहीं रामज्ञा नोएडा की प्रिंसिपल अपर्णा की माने तो पीएम ने देश को फिट रखने का जो चैलेंज देशवासियों को दिया है, उसे देश के बच्चे तेजी से बढ़ा सकते हैं। लिहाजा स्कूल प्रशासन ने फिटनेस में देश को मजबूत बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम रखा है। प्रिंसिपल अपर्णा के मुताबिक कार्यक्रम के जरिए बच्चे एक बार खेल और फिटनेस को अपना लेंगे तो उनके परिवार वाले ऑटोमेटिक ही उसको अपना लेंगे। मोदी जी द्वारा चलाया गया हम फिट तो इंडिया फिट को ही ध्यान में रखते हुए रामज्ञा नोएडा स्पोर्ट्स लीग का यहाँ हमारे नोएडा स्कूल में आयोजन हुआ। हमारे यहाँ इंडिविजुअल, ग्रुप, फैमिली सभी लोगों का पार्टिसिपेशन था। 12 तरीके के गेम्स का हम लोगों ने आयोजन किया है। हमारी इसमें एंट्री 3000 से ऊपर है। हमारा ये प्रोग्राम 27 घंटे चलेगा, जो कि इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ये पहला और अपने आप में एक अनोखा स्पोर्ट्स का कार्यक्रम है जो हमारे यहाँ आयोजित किया जा रहा है। आशा है हम इसमें पूरे खरे उतरेंगे। आज हमारा इसका शुभारंभ हुआ और कल 8 जुलाई को इसका समापन समारोह होगा। केंद्र सरकार की फिटनेस योजना को अभी तक लोगों ने न सिर्फ सराहा है, बल्कि देश के लोगों ने भी एक दूसरे को फिट रहने और हिट रहने का संदेश भी दिया है। अब ये देखना होगा कि स्कूल के जरिए की गई ये पहल पीएम मोदी के फिट रहने के सपने को कितना साकार करेगी। नोएडा से अमित चौधरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।